जोग टीवी वसेब दी आवाज। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नु प्रेस करो। अगर तुआडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है, या तुआडे नाल कोई ज्याती हो रही है ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो। जुल्म दे खिलाफ वसेब दी आवाज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, तुसरे दे पेवे झोक टीवी वसेब दी आवाज़, तुहाडी आवाज़, मेरी आवाज़, बल्कि पूरे सरेकिस्तान दी आवाज़, मुल्तान शरीफ दी आवाज़, और मैं तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। खवातीन हज़रात, इस टाइम मैं मुल्तान सराफा बाज़ार के अंदर मौजूद हाँ। जी मुंतखब थी वाली बाडी तमाम दोस्तों को मैं बल्कि मुबारकबाद देना मौजूद हैं। मुहम्मद असलम जड़े के सदर हैं सराफा बाज़ार के, उन्होंने को जानते हैं कि जड़े सराफा बाज़ार के दुकानदार हैं उन्होंने वास्ते क्या पैगाम देंगे, और इस मौके के उत्ते झोक टीवी और झोक टीवी की तमाम टीम उन्होंने मुबारकबाद पेश करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। माशाल्लाह, सब तो पहले तो झोक टीवी और झोक टीवी की तमाम टीम तो आपको मुबारकबाद पेश करें दी कि तुम्हारी बड़ी सारी जद्दोजहद, और तुसा यकीनन इतों के दुकानदारों वास्ते बेहतर सुझे सो, लेकिन क्या पैगाम दे सो कि मौजूदा जड़े लोग हैं उन्होंने निस्बत तुसा इन्होंने वास्ते क्या तब्दीली गिन क्या सो दुकानदारों वास्ते? इंशाअल्लाह ताला असा बाजार की फलाह बहबूद वास्ते पहले भी असा रह गए हैं, त्रै चार बारी पहले भी असा अहदेदार रह गए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जेड़े सारे पहले प्रोग्राम हैं वो जारी और सारी रास हैं, और मजीद उन्हों को बेहतर अंदाज चलावन की कोशिश करे। असा हमेशा दिखा कि सराफा बाज़ार एक बड़ी असास मार्केट है, इतना सिक्योरिटी के बड़े सारे मामलात रहन, तुसे क्या समझते हो कि क्या उस सिक्योरिटी के मामला तुसे बेहतर कर सको? सिक्योरिटी के मामला इंशाअल्लाह असा अपने तौर पर तो बेहतर करे सू, लेकिन सारा हुकूमत को मुतालबा है कि पहले उन्हें सबको त्रै ड्यूटियां ला के दिते हैं, पाँच पाँच पुलिस वाले ने, और एक एक उन्होंने इंचार्ज आई, त्रै टाइम ड्यूटी होंगी उन्होंने, तो वह ड्यूटी देने उन्हें दुकानदार मजीद तहफ़ का एहसास महसूस करे ने, सारे सिक्योरिटी गार्ड कहीं को पता भी लगे कहीं गड़बड़ थी नहीं पी है, या कोई दो नंबर आदमी या कोई डकैत चोर आया खड़े तो वह कोई गोली नहीं मार सकता, जबकि पुलिस वाले हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे पुलिस के होने नाल सबको अपने तहफ़ का एहसास महसूस थे, लिहाजा सारा इंतजामिया नाल दरख्वास्त है कि सबको दोबारा वो ड्यूटी अलाउ की वजे, और असा इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाल भरपूर साथ देसू, तो असा ई चैनल के जरिए हुकूमत नाल पुरजोर मुतालबा करने कि सबको सबका रिवायत के मुताबिक वो ड्यूटी दी वजे। डू तो डू सवाल करे सा कि दिन ब दिन सोने की कीमत वधण दे नाल तुसा क्या समझते हो कि गरीब आदमी की पहुँच तक सोना कह नहीं, इंदे वास्ते असा मतलब जेडे कि पहले सारे गरीब आदमी की धी की शादी होंगी है, तो बहुत सारे इतों खरीदो फरोख्त भी थी उनकी वजह करके टाइम जी सराफा बाज़ार के लोग हैं कारोबारी जो ताजर हजरात हैं वो इंतहाई परेशान हैं, क्या आख सो मौके पर? तुम्हारी गल दुरुस्त है, लेकिन हूँ आर्टिफिशियल जड़ा है वह भी बेच चल पे है, वो सारे बिरा कारीगर जड़े पहले सोने का काम करे ने हूँ आर्टिफिशियल का काम करे ने, और कुछ लोग हाली भी बच्चे वजन जड़े सोने का काम करे ने, उनकी वजह नाल असा कोशिश करे सू कि असा वो लोग जड़े खुद यो नहीं कर सकते कई किस्म के, तो सारा पसमानदा इलाका है उन्होंने वास्ते जड़ा है, असा खुद कुछ कुछ ना कुछ अपनी तरफ भी कोशिश करे सू बाजार के फंड कट्ठे करके उन्होंने तावन करने की कोशिश करे सू, तो सारी हुकूमत नाल दरख्वास्त है कि सबको कम अज़ कम जड़ा है ना जड़े पहले एक पॉलिसी आई पीपल पार्टी के दौर उनके सुनार को भरपूर रिलीफ मिले आई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, और जेवरात बना के बैर भिजेने और बदले में सोना गहना आने, जबकि यही हुकूमत ने बेजाब सख्त पाबंदियां ला दिते, जेवरात के उत्ते भी ला दिते, सेल टैक्स भी ला दिते, गोल्ड के उत्ते भी टैक्स ला दिते, और असा इन टाइम बहुत अपने अंदर बेचैनी महसूस करने हैं, और सारी गुजारिश यो है कि ये पाबंदियां खत्म किए वजन, और सारे तो ये जड़ा सेल टैक्स और जड़ा मुख्तलिफ नौयत के हिसाब के लाया गया ये सारा खत्म किया वजन, सारा पुरजोर मुतालबा है ताकि असा जितने भी सारे छोटा लेबर वाला तबका है वो अपने आप को तहफ़ महसूस करे और उन्होंने रोजी रोटी का इंतजाम थी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिरी सवाल कर सके झोक टीवी वसेब की आवाज़ हमेशा ही खिते की आवाज़ बने और मजलूमा की आवाज़ बने,
और जोक टीवी ने हमेशा इस खिते के कोई भी मसायल हकूमत बाला तक घिन के गए, अवाना तक घिन के गए। जोक टीवी का जो किरदार सरायकी वसेब के हवाले ना लेके सरायकी कौम के कई भी फर्द को पूरे पाकिस्तान किसी किस्म की कोई परेशानी होती है तो जोक टीवी की आवाज़ बनता है। बतौर एक ताजर तुसे क्या समझ देवे कि जोक टीवी का जो किरदार है क्या है? देखो साढ़े इलाके दे विच खासकर सरायकी वसेब दे विच जिहड़ा जोक टीवी है वो सब तो ज़्यादा डिठा वेंदे सवेर नाल और जिहड़ा इन्हे लोकल खबर जिहड़े उन्हें असां खास तौर पर सवेरे चैनल खोल के बाने और साको उन्हां खबरां तक मालूमात सब तो पहले ही चैनल के जरिए मिलती है। असां उन्हां दे शुक्रगुजार हैं पूरी टीम जिहड़ी सारे कोल आई है कि सारे जिहड़े मसायल हैं वो भी बाख्तियार इंतजामिया तक पहुँचन और हुकूमत पाकिस्तान तक भी पहुँचन और इंशाअल्लाह ताला सारा मसला हल थी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खवातीन हज़रात से नाल भी कुछ अहदेदार मौजूद हैं, यकीनन मैं क्योंकि इन्हों का नाम तो नहीं जानता लेकिन इन्हों को जोक टीवी की तरफों असा मुबारकबाद पेश करें और इन्हों को जानसू कि क्या आया कि तुसा माशाल्लाह इस टाइम तुसा एक तुहाको अहदे मिले तुसा सराफा बाजार वास्ते कि तब्दीली घिन के आसो कि नहीं वो तब्दीली तो ना उसी जी तब्दीली सरकार घिन के आई है क्या या कोई तुहाडे ते कोई उम्मीद रखी वाई सकती जी भाई जान क्या परमेश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंशाल्लाह ताला वो तब्दीली ना होसी जिहड़ी तब्दीली सारे पाकिस्तान दे पहले ही है और इतना बुरा ना इतनी महंगाई है सारे जितने भी दोस्त हैं पे सब परेशान हैं सारे कारोबारी ताजर हजरात सारे परेशान हैं पे और तक इन चीज़ का इल्म है पे कि इन परेशानी वजह करो सारे सारे कारोबार सारे मामला सारे डिस्टर्ब हैं पे और जितने भी सबको टैक्सीज वगैरह लेते गए और उन्होंने साढ़े उत्ते बहुत मुसलत किए गए बिलों ने बिजली के बिल वगैरह सारे और ये हुकूमत ने बहुत सबको परेशान किए ताजर बरादरी को काफ़ी और इंशाल्लाह तब्दीली जी गल है सराफा बाजार है जी पहले रवायत चलती पई है इंशाल्लाह उनकी रवायत के मुताबिक असा दोबारा सराफा बाजार को इंशाल्लाह तश्कील देसूँ क्योंकि पिछली कुछ ऐसे गलतियाँ हैं पे जेडे सारे अपना दोस्त कर गए उनको इंशाल्लाह बेहतर राय मिली गए ना सो इंशाल्लाह। हाँ जी खवातीन हज़रात जिमें कि मैं तो दसा कि माशाल्लाह आज पूरी क्यादत पूरी बॉडी मेरे ना मौजूद है मैं बार बार इन्हें को मुबारकबाद दे सकता क्योंकि कोई भी इलेक्शन विन करने वास्ते बड़ी सारी जदोजहद की जरूरत होती है बड़े सारे दोस्त भी होंगे बड़े सारे मुखालफिन भी होंगे सना बे भी कोई दोस्त मौजूद हैं उन्होंने को जान सो कि आया क्या आर्टिफिशियल सोना और जेनवन सोना तुसें क्या समझ दे कि जो कारोबारी आदमी है जिमें सराफा बाजार एक महंगा बाजार है इतना दुकाना के किराए भी बहुत सारे ई मौके के उ क्या समझ दे कि आर्टिफिशियल सोने के दुकानदार की मतलब उनके कारोबार रोज़गार उनका चल सकता या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं जोक टीवी के चैनल की वसादत नाल महमूद सादिक सीनियर नायब सदर सराफा एसोसिएशन मुल्तान जहाँ तक तुहाडे सवाल का ताल्लुक है कि आर्टिफिशियल हो चांदी का काम हो उन्दे कारीगर गरीब जी लेबर दुकानदार बैठे उन्होंने को उजरत मिल वेंदी है सोने का काम हो उन्दे वसी उन्होंने को इनकम थींदी है चांदी है जरा थोड़ी थींदी है ते आर्टिफिशियल है जरा थोड़ी थींदी है ते लिहाजा रोज़गार लगे रहिंदे और वो फारक बावण तो बेहतर है कि वह कारीगर भाई साढ़े काम लगे रहने जी। हाँ जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी भाई जान क्या फरमैसो ई मौके के उत्ते कितनी खुशी महसूस करेंदे पैवे पूरी बॉडी क्योंकि बड़ी सारी मेहनत और बड़ी सारी जदोजहद तो बाद बंदा कोई भी जगह को लीड करेंदे तुसा क्या समझदे भजन अस ते चाहने सदर अस वोट दिते को ख्वाजा असलम को असादे भाई अच्छा कोई बाजार है तुसा क्या समझदे ख्वाजा असलम साहब सराफा बाजार वास्ते एक अच्छा काम कहन के आसन तुहाडे दुकानदार वास्ते बेहतरी हो सी? बिल्कुल ई गल असा इन्हां को वोट दिते बेहतरी आ जी खवातीन हज़रात जी भाई जान माशाल्लाह तुसा हुणे नाल ही पसीना पसीन थी गए हो क्योंकि बड़ी सारी जदोजहद तुसा कीती है क्या समझ देवे सब तो पहले तो जोक टीवी और जोक टीवी की तमाम टीम तुहाको मुबारकबाद पेश करेंदी है क्योंकि तुसा दुकानदार ताजर जिहड़ा हुंदा है वह फखर हुंदा है ताजर दे नाल ही पूरा निज़ाम चलता है क्या फरमैसो ई मौके ते औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं मेरा नाम मोहम्मद रफीक भट्टी है मैं सराफा बाजार का जनरल सैकटरी मुंतखब थे असा साडा है इत्तेहाद ग्रुप जद भी है सराफा बाजार के मफाद वास्ते उन्हें सारा काम किए इंशाअल्लाह असा उमरे के भी बंदे भेजने अपने दौरे असा माली इमदाद भी की है असा सारे ग्रुप ने हर किस्म का तामन किए और असा सराफा बरादरी की बेहतरी वास्ते हर कदम उठाने हैं हर काम करने हैं अल्लाह ताला को दुआ मंगते हैं दुआ गो हैं अल्लाह ताला सारे खास कर सुनारे फिरावा मेहरबानी करे क्योंकि मुल्क हालात की वजह तो हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह तो साढ़े सुनारे बहुत पिछू पे पे कारोबारी लिहाज न बहुत मजबूर हैं लिहाजा हुकूमत को अपील करने हैं कि साढ़े सुनारे मेहरबानी की वजे इन्हें नरमी की वजे ताकि
ये लोग अपना रोज़गार कमा सकें ताकि कहीं को मजबूर थी के कुछ है मंगर जो के ना रावन। मेरा एहतियात ग्रुप को वल वो सवाल है क्योंकि हमेशा तो सकूँ सराफा बाजार दे जड़ा सिक्योरिटी का इंतजाम है बड़ा नाकस नज़र आया। मैं वल वो सवाल करे सकूँ क्योंकि जब तक एक दुकानदार सेफ ना हो सी उनको अच्छी सिक्योरिटी ना मिल सी तो यकीन न कोई भी कारोबार नहीं कर सकता। तुसे क्या समझ दे कि आया क्या जो सिक्योरिटी के मामलात हैं सराफा बाजार के क्या तुम उन्होंने काबू पा सकसो? जी भाई जान साढ़े दौरे च हमेशा सिक्योरिटी से कामयाबी रही है साड़ी साढ़े रात के भी पांच छह गार्ड होने दी के भी पांच छह गार्ड होने लिहाजा असा पूरी सिक्योरिटी साकू अल्लाह ते यकीन है कि इंशाअल्लाह असा पूरी बाजार के तहफ्फुज वास्ते भरपूर काम करे सू। अल्लाह ताला साकू हिम्मत देसी साड़ी अकेले की जरूरत को नहीं साढ़े अल्लाह ने साको हिम्मत देवनी है। असा सारे सराफा बरादरी मुतफिक है इंशाअल्लाह भरपूर तरीके सारे कट्ठे थी के काम करे सू। आखिरी सवाल करे सके जिमें कि मैं पहले तो पता है कि झोक टीवी एक सराइकी वसेब का लोकल चैनल है और इन्हें हमेशा अपने खिते दे विच वसण वाली तमाम जबानों की गल की बेशक उर्दू पंजाबी सराइकी बलोच पख्तून कहीं भी जबान कहीं तक कोई तलक हो असा हमेशा मजलूम तबके की आवाज़ बने हैं। झोक टीवी का जो टाइम किरदार है ताजर बरादर वास्ते या आम एक शहरी वास्ते क्या समझ दे भाई जान? सब तो पहले तो मैं झोक टीवी को शुक्रिया अदा करें कि अंथक मेहनत करके साढ़े ताजर को पहुँचन और इन्होंने हमेशा पूरे पाकिस्तान अपने आप को झोक टीवी को साबित किया कि मैं झोक टीवी हाँ और हर वक्त मेहनत नाले काम करें। अल्लाह ताला इन्हों का हामी और नासिर होवे अल्लाह इन्हों को हिम्मत देवे इंशाअल्लाह मजीद अगू भी झोक टीवी अपना काम पूरा करे सी इंशाअल्लाह। जी खवातीन हज़रात जिम्मे कि मैं तो दसा कि इस टाइम मैं मौजूद हाँ मुल्तान सराफा बाजार के जिथा इस टाइम जड़े अहदेदारान जड़े मुंतखब थे उन्होंने गुफ्तगु थी पई आई और सारे नाल इतना जड़े मतलब दुकानदार हैं जड़े इतना लोग कम करेंगे उन्होंने को जानना चाहसो कि आया क्या जड़े ये मुंतखब थी वाले अहदेदारान हैं इन्होंने कितने परसेंट मुतमिन हैं या क्या आदि? जी भाई जान क्या फरमेसो जी इस टाइम क्यादत बनी है जी इस टाइम क्यादत बनी तुम ये दसो तुम उन्होंने बारे क्या उन्होंने को मुबारक दे सकते वे? जी सही क्या फरमेश हो भाईजान क्योंकि उन्होंने अब तो अपनी जगह तो भेजे जी ये असा बहुत शुक्र गुजार हैं अल्लाह ताला दे के सारे इतिहाद ग्रुप को कामयाब किए सारे मुकाबले डू ग्रुप पन उन डू ग्रुपों के वोट मिला के वाली सारे इतिहाद ग्रुप ने उन्होंने डूहा को ज्यादा वोट किए इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम करे से ने और पहले भी ये रह गए हूँ भी ये सारा पहले भी इतमाद है हूँ ही ना इतमाद है। जी खवातीन हज़रात जिम्मे कि मैं तुम्हें दसा कि मैं टाइम मौजूद हाँ सराफा बाजार के सराफा बाजार के इलेक्शन थे तो इतिहाद ग्रुप ने जित की और ये टाइम कामयाब साबित हैं। आखिर दे विच इन शेर दे नाल मैं इजाजत चाहसा कि तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू डिबा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने। खवातीन हज़रात जुड़े रहो झोक टीवी वसेब दी आवाज़ नाल अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को दसो इजाजत अल्लाह हाफिज अल्लाह निगहबान। सेव दी आवाज़ अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो लाइक करो सबसक्राइब करो बैल आइकन नु प्रेस करो अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है या तुहाडे नाल कोई ज्यादती हो रही है ते साडा राबता नंबर तले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो जुल्म दे खिलाफ वसीब।